नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। मैं आज अपने परमानेंट प्लांट्स के लिए कुछ फर्टिलाइज़र तैयार करने जा रही थी, तो सोचा साथ में आपको भी बताऊं, जिससे हमारे प्लांट्स सालों भर हेल्दी रहते हैं और गार्डन हमेशा फूलों से भरा रहता है। गुड़हल, गुलाब, यूफोरबिया मिली, टिकोमा, बैगनविला, कनेर, ऐसे बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स हैं जो साल ओवर फ्लावरिंग करते हैं। तो उन सारे प्लांट्स में मैं कौन से फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस फर्टिलाइज़र को यूज करके देखिएगा, इसका रिजल्ट बताइएगा। देखिए, ये सारे फर्टिलाइज़र्स हैं जिसके मिक्सचर को हम अपने प्लांट्स में यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र है मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ, कौन से फर्टिलाइज़र कितने यूज करने हैं। इसके लिए हमें चाहिए कम से कम 1 किलो गोबर की खाद, जो कि 1 से 2 साल पुरानी गोबर की खाद हो, अच्छे से तैयार की गई। और फिर इसमें मिलाएंगे हम 1 मुट्ठी इप्सम सॉल्ट, 1 मुट्ठी नीम खली, ये है लाल पोटास, इसे भी हम लगभग 1 मुट्ठी इसमें मिला देते हैं। और ये रहा SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये भी इसमें हम 1 मुट्ठी मिलाएंगे। और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर के कुछ दाने दिख रहे हैं, ये है सीविड ग्रैन्यूल्स, इसे हम आधी मुट्ठी मिलाएंगे। थोड़ी सी फंगीसाइड 2 से 3 चम्मच, वो भी इसमें मिक्स कर लें। अब इन सारे मिक्सचर को अच्छे से तैयार करना है, बिल्कुल एक सार हो जाने चाहिए। इन सभी को गोबर की खाद, नीम खली, इप्सम सॉल्ट, सीविड ग्रैन्यूल्स और फंगीसाइड, सब कुछ बिल्कुल एक साथ हो जाने चाहिए। अगर आपके पास बोन मिल है और अगर आप यूज कर सकते हैं बोन मिल, तो SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट की जगह आप बोन मिल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट 1 किलो ले लीजिए और उसमें ये सारे फर्टिलाइजर्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये फर्टिलाइजर रेडी है आपको प्लांटर्स में यूज करने के लिए, तो आप अपने जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब के प्लांटर्स में इस फर्टिलाइजर को यूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।